हेलो फ्रेंड्स, मीनू रेसिपी में आपका स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ सिर्फ पानी से बनने वाली मिठाई, और ये मिठाई बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाएगी। और जिन्होंने अभी तक मिठाई नहीं भी बनाई है, वो भी बहुत ही आसान तरीके से इसे बना सकते हैं। ये मुंह में जाते ही घुल जाएगी, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे कि मैं कोई भी न्यू रेसिपी डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए बनाते हैं बहुत ही आसान तरीके से सिर्फ पानी से बनने वाली मिठाई। तो इस मिठाई को बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 3/4 कप पानी ले लिया है, साथ ही इसमें हम डाल देंगे 1/2 कप चीनी। चीनी जो है आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप मिठाई ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप इसमें और चीनी डाल सकते हैं। चीनी को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। यहाँ पे हमें कोई चीनी की चाशनी नहीं बनानी है, बस चीनी जो है वो पिघल जाना चाहिए इस पानी में। तो इसे कंटिन्यू चलाते हुए हम इसे घुलने देंगे, साथ ही यहीं पर हम डाल देंगे 1/4 कप वाटरमेलन सीड्स। आप यहाँ पे चाहे तो कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं अपनी टेस्ट के हिसाब से। ड्राई फ्रूट्स डाल के हमें कुछ देर पकाना है जिससे कि ड्राई फ्रूट जो है वो पक जाए। चीनी जो है वो अच्छे से घुल गई है। अब हम इसमें डाल देते हैं 1 कप डेसिकेटेड कोकोनट। ये बहुत ही इजिली मार्केट में अवेलेबल हो जाता है, आप बाजार से इसे आसानी से खरीद के ला सकते हैं। इसे खूब अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है, थोड़ी देर हमें इसे पकाना है जिससे कि डेसिकेटेड कोकोनट जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए पानी में और थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं, हल्का गाढ़ा, क्योंकि अभी आगे हमें और भी इसमें चीज़ें डालनी है। ये मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया और इसे पकाते हुए 1 मिनट हो भी गए हैं। तो अब हम इसमें डाल देते हैं 1/4 छोटा चम्मच इलायची पाउडर। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1 मिनट हो गए हैं नारियल बुरादे को पकाते हुए चाशनी में। अब हम इसमें डाल देते हैं 1/2 कप मिल्क पाउडर। थोड़ा थोड़ा करके डालते चले जाएं और मिक्स करते चले जाएं जिससे कि कोई गुठलियाँ नहीं बनेगी मिल्क पाउडर में। अगर आप मिल्क पाउडर नहीं डालना चाहते हैं तो यहाँ पे आप घर की जो फ्रेश मलाई होती है वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मलाई डालने पर ये जो गीला हो जाएगा तो यहाँ पर आपको उस समय डेसिकेटेड कोकोनट ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा, तो इसलिए मिल्क पाउडर डालें। इससे एक अच्छी सी बाइंडिंग आ जाएगी मिठाई में। अब हमें सभी चीज़ों को तब तक पकाना है जब तक ये थोड़ा सा गाढ़ा ना हो जाए और सेट होने की कंडीशन में ना आ जाए। तो इसे अच्छे से मिक्स करते हुए पकाते रहना है। मिश्रण जो है वो गाढ़ा हो गया और सेट होने के लायक हो गया है। तो अब हम इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा फूड कलर। मैं यहाँ पे ऑरेंज फूड कलर डाल रही हूँ, आप अपनी टेस्ट के हिसाब से कोई भी कलर डाल सकते हैं। फूड कलर डालना जो है वो टोटली ऑप्शनल है, आप अगर डालना चाहें तो डालें, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। फूड कलर डालने से टेस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ देखने में थोड़ा सा सुंदर लगता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ। खूब अच्छे से फूड कलर को मिक्स कर देना है। फूड कलर अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं और इसे साइड करते हैं। अब इस मिठाई को सेट करने के लिए एक टिफिन ले लेंगे। इसमें हम डाल देंगे बटर पेपर और इस पे से थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे जिससे कि मिठाई जो है निकलने में आसानी हो और मिठाई जो है बड़ी आसानी से निकल जाए। अब जो हमने मिश्रण तैयार करके रखा है मिठाई के लिए वो इसमें डाल के और अच्छे से सेट कर लेंगे। ये मैंने मिश्रण को डाल के सेट कर दिया। अब इसे अच्छे से ठंडा होने देते हैं। जब ये ठंडा हो जाएगा तब इस मिठाई को हम डीमोल्ड करेंगे। मिठाई जो है वो अच्छे से ठंडा हो गया है, अब हम इसे पलट लेते हैं। तो आसानी से ये मिठाई जो है डीमोल्ड हो जाएगा, आसानी से बटर पेपर उठ जाता है नीचे से। अब बटर पेपर को हम हटा लेते हैं। अब इसे हम मनचाहे शेप में काट लेंगे, जो भी जितना पतला मोटा जिस तरह से आपको मिठाई काटनी हो आप उस तरीके से इसे काट। मिठाई को मैं बर्फी के शेप में काट लेती हूँ। बहुत ही आसानी से कट जाती है और बहुत ही टेस्टी लगेगी। तो आप इस मिठाई को जरूर बनाएं। जो लोग आज तक मिठाई नहीं भी बनाए वो भी बड़ी आसानी से इसे बना लेंगे। मेजरमेंट के लिए कप या कटोरी कोई भी सेट कर ले, उसी से सारी चीजों को मेजर करें तो एकदम परफेक्ट ये मिठाई बन के तैयार हो जाएगी। तो आप भी इसे जरूर बनाएं और सभी को खिलाएं।